जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं टाइम आउट विद एहसन खान। और जनाब, जब आपके दोस्त सेट पे मौजूद होते हैं तो और भी मजा आता है, क्योंकि फिर गपशप लगाने का, बातें करने का, कुछ देर के लिए आप भूल जाते हैं कि पीपल आर वॉचिंग, जनाब अपनी बातें शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जो हम बातें करेंगे, वैसे वो भी अपनी बातें हैं। इंटरेस्टिंग बात ये, जरा देखिए कि इनके हाथों में क्या है। हमारा सेगमेंट है झूठ का झटका, और झूठ के झटके में होने वाला है बहुत मजा। बिकॉज आज हम वो सवाल करेंगे कि अगर एक इन दोनों में से झूठ बोलेगा तो उसको झटका लगाएगा दूसरा, और ये बड़ा कम मौका मिलता है। आज बदले लेने का टाइम भी है। वैसे आयजा को तो ब्रेक में भी झटके लग रहे थे। दानिश ने बटन दबाया हुआ है फुल, आयजा पे टेस्ट करवा रहा है। बटन दबा भी नहीं रहे, जब भी लग रहे थे वो तो तब भी लग रहे हैं। आयजा ऐसे नहीं है, दबा रहा है। इसका ट्रिगर किसी और के पास तो नहीं? नहीं, किसी और के पास नहीं। अबे बेवकूफ बना के यहां बिठा दिया, खुद वहां से करंट लगा रहे हैं हम। नहीं, ऐसा कुछ हमारे बीच लड़ाई लगवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, कभी, नॉट एट ऑल। बट द बेस्ट पार्ट इज के आप दानिश के जवाब देंगी दानिश बन के, और आप आयजा के जवाब देंगे आयजा बन के। हम एक सुबह उठे तो मैं दानिश हो गया, आयजा। हाँ, ऐसे तो पहला सवाल स्विच हो गया, हमारी रूहें स्विच हो गई ना। एक एक एग्जांपलरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आयजा, आप इस वक्त दानिश हैं, और दानिश से सवाल ये है, जो चीजें जहां से उठाता हूं मैं तो वही वापस रखता हूँ। अभी तो जवाब भी नहीं दिया मैंने, कहा हाँ वो भी यूं ही बोले। क्या नहीं, क्या यार बोलने तो पहले पकड़ी भी नहीं ना, फिर आप देखे नहीं, नहीं, नहीं तो दबाया क्यों, तो ये कैसे बोल रही है कि नहीं नहीं रख, मुझे करंट आ गया तो मैंने बोला। क्या वो चाहता बोले ना, सच ऐसा सच बोल दो। एक्चुअली नहीं रखते, कभी 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 मुझे ढूंढनी पड़ती है। कौन ढूंढना पड़ता है? चीजें कभी कभी ढूंढनी पड़ती है। हमने हसन को और उस्मान को क्यों रखा हुआ फिर घर पे? लड़कों को रखा हुआ मगर ये नहीं रखते जगह पे। यार जब एक बंदा एक काम के लिए मैंने रखा है, कोई और रखे कौन? ये देख, ये बात सही, ये बिल्कुल, I swear ये मेरे वाली बात है। कभी वो है ना, वो रख लेंगे। और मैं उनको क्यों रखा फिर हमने? हाँ फिर उनको क्यों रखा है? हाँ हेल्पर्स, लेकिन नहीं रखता ये। लेकिन खुद नहीं रख, नहीं कभी रख भी देता हूँ, ऐसा नहीं है। हाथ रखना दानिश, हाथ रखना, रखा वो मैं तो आयजा बन के दानिश जवाब देगा। इधर देख के आयजा, नहीं उधर उधर देख, मैं इतनी जोर से दबाऊंगा बटन। आप आयजा हैं इस वक्त भाई मेरे, मैं सच भी बोलूंगा तो ये देखे नहीं क्या ये रेडी बैठी है आयजा? थोड़ा थोड़ा बहुत, इतना सा, इतना कभी कभी पहले पूरा सही से पकड़ो। नहीं, नहीं, नहीं। और किस तरह पकड़ो? मुझे सही वाला करंट लगा था। देखो तो सही, बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं। आयजा कह रही है कुछ भी जवाब दोगे मैं बदला लूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। अच्छा? मैं देख भी नहीं रही। ठीक है यार, हाँ ठीक है, पूछा सवाल यार। अब तो पकड़ ले भाई, नाराज कर दिया बेगम। पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया, सही तरह पकड़ा, सही है, चले। अच्छा सवाल ये है आयजा, कभी कभार थोड़ा सा मुन्ना सा कभी तो शक किया आयजा ने मुझ पे? हाँ हाँ किया तो होगा। कब किया भाई? कब किया? अभी बैठ के बोला नहीं किया। हाँ, आप किया? मैंने बोला कि थोड़ा सा कभी तो किया होगा। कब किया, नाम बताओ? कभी कभी छह साल से किया, शक नाम बताओ। शादी से पहले तो किया था ना? शादी से पहले भूल जाओ, अभी बताओ। अभी शादी के बाद? तो फिर उसको दोबारा पकड़ो। नहीं अब क्यों, अब तो करंट लगा दिया, उसे झूठ बोला था ना, अब डबल करंट पड़ेगा झूठ बोलने में डबल। मैं आखिर में ये ऐसे पकड़ेंगे दोनों और हम दबाएंगे। अभी आखिर तो आ रहे थे भाई, तब तक मैं बहुत दफा दबा चुका हूं। शादी के बाद की बात हो रही है, अब जो भी हो रही है, ठीक है ना? शादी के बाद की बात हो रही है। अगला सवाल आयजा से है, लेकिन आयजा दानिश बन के जवाब दे रहे हैं। खाने पीने में हाथ पकड़ी हुई, सॉरी, अच्छा अच्छा, हां हां सॉरी, मैं भूल जाती हूं कि खाने पीने, वो देखो पहले ही डरा रहे हैं उस बेचारी को। खाने पीने में थोड़े बहुत नखरे हैं इसका जवाब क्या है, नखरे हैं या नहीं है? दानिश के हैं। दानिश कहा नखरे मेरे, कहा नखरे? एक आदमी हर सुबह क्या नाश्ता करता है? पर नखरे तो होते हैं ना कि कुछ और नाश्ता नहीं करूंगा। ये नखरे यार बताओ भाई, एक ही नाश्ता रोज करूंगा। दो ब्राउन ब्राउन वही मिलेगा, एक एग वाइट। अगर उसके अलावा कुछ मिल जाए तो जाहिर है बोलेगा ना कि नहीं, तो सही बोल रही है। संडे, एवरी संडे तो मैं खाता हूँ ना, पराठे भी खा लेता हूँ एक दफा, तो ये अब ये नखरे थोड़ी हुए। नखरे तो ये हो यार, जाओ वो वहां से जाके, सॉरी टूटी जाए, अच्छा है वहां से जाके ये ले आओ मेरे लिए, ये वाले नखरे तो नहीं करता ना मैं। पर है, देखिए मैंने जवाब दे दिया, हाँ है, करंट भी खा लिया, हो गया था। मुझे तो तुमने खामखा एक दफा लगा दिया, अब नहीं लगाओगी तुम, क्योंकि अगर अब ये झूठ भी बोलती है तो अब इसने तो पहले लगा दिया मुझे करंट यार। अच्छा मैंने यहाँ रख दिया, अच्छा यहाँ रख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब दानिश से सवाल है,
बेसिकली ये जवाब आयजा दे रही है, लेकिन दानिश अच्छा सवाल है, आयजा को किसी भी किस्म का फोबिया है? किसी भी किस्म का फोबिया है? बोलो ना, हाँ या ना? है, है, है. है बिल्कुल है, ये तो सच आया था, ये सच है, सच नहीं मारा ना कर मैंने, ठीक है मैं देख रहा हूं स्विमिंग का, अभी पानी का मैं नहीं जा सकती पानी में, दानिश लेके खड़ा भी होगा ना, मैं वापस चली गई, मैं स्विमिंग करता हूं बचपन से तो मुझे तो आदत है, तो मैं कहता हूं मैं सिखा देता हूं, पानी में बीच में मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता भाई, इसको तो पानी से बहुत डर, जब ट्रैवलिंग करते हो और ट्रैवलिंग जैसे बताया कि शौक है तो अ लॉट ऑफ पीपल गो टू द बीच, सो यू अवॉइड बीच, नहीं मैं जाती हूं पिक्चर्स लेती हूं सेल्फी लेती हूं और आ जाती है बस सेल्फी ली और लगा दी, रहती मेरी बेस्ट होती है वहां की, ना भीगी हुई ना गंदी, बाल भी गीले होते हैं पानी में, लेकिन पानी में जाना नहीं है, पानी में बचपन से मुझे बहुत डर लगता है पानी से, पता नहीं क्यों, ओके ठीक है जी, अब बारी है अगेन दानिश की, ठीक है आयजा से सवाल करें, बट बारी दानिश, मैं बार बार इसी बोल रहा था कि लोगों को मालूम हो कि ये बेसिकली सवाल दानिश के बारे में जो हम आयजा से जवाब लेंगे, लड़ाई में चाहे जिस मर्जी की गलती हो लेकिन मनाती आयजा है, क्या करना था उसको, हाथ लगाना हाँ या ना, अब मैं दबाना, ये बारी मेरी है, लड़ाई में किसी की भी गलती हो मनाती आयजा है बस बेचारी, नहीं नहीं ये सच बोल रही है, ये मनाता है, ओ ज्यादा कौन मनाता है, अच्छा किसी की भी गलती हो, एक्चुअली दोनों मनाते हैं, लेकिन हाँ जब नहीं यार आदमी कभी ज्यादा मना भी लेता है, इट्स ओके, नहीं मैं टू बी ऑनेस्ट दोनों मनाते हैं, अच्छा हाँ ऐसा होता है कि जैसे अगर लड़ाई तो वैसे होती नहीं है, हो गई एक दिन पूरा गुजर गया, डेढ़ दिन पूरा गुजर गया तो फिर बात कर लेते हैं, नजर टकराने की देर होती है फिर बात हो जाती है, बस फिर हंसी निकल आती है, बच्चे ले आते हैं फिर अगर हम नाराज इधर उधर हैं तो फिर कभी रयान कभी वो कोई काम बता दे कि मामा के पास वो, तो फिर हमें जाना पड़ता है, बच्चे थोड़ा गेज कर लेते हैं, हाँ हाँ बच्चों को एक्चुअली कभी बच्चों जब से बच्चे हुए ना हमने छोटी बात पे भी लड़ना छोड़ दिया, हमें होता है उनपे अजीब सा इम्पैक्ट आ सकता है ना, कितनी अकलमंदी है यार, ये तो सब मियां बीवी को सीखना चाहिए, मौसी लड़ाइयां बच्चों के सामने ही हो रही होती हैं, नहीं नहीं वो बहुत बुरा है, ठीक है अच्छा जी आपसे सवाल है, आप आयजा बन के जवाब दे रहे हैं जनाब, ठीक है सवाल करने दो मुझे, आयजा से सवाल है बेसिकली इस वाली आयजा से कि दोनों की लड़ाई हो तो सबसे कड़वा दानिश बोलता है, Is this true or false? True. ठीक है मैंने कहा शायद सही बोल रहा है? करेक्ट नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा उसको, करेक्ट नहीं रहा इसको, अभी नहीं लग रहा, नहीं तुम जोर से बात करने लगता है, पकड़ा नहीं हुआ भाई, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ा हुआ तो यार ये देखो, लगाएं 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 लगाएं, अब बताओ यार ये देखो यार, इसने इस सेकंड में तीन दफा लगा दिया मुझे, कर सकते हैं पकड़ोगे, नहीं मुझे तीन दफा लग गया, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, होगा अब मैं, अच्छा मेरा सवाल तो ही रह गया, दानिश ने बोला मैं बोलता हूँ ज्यादा कड़वा, कड़वा नहीं गुस्से के अंदर बातें, जैसे अब जो दिल में होती है मैं बोल देता हूँ कि ये यूं है मुझे ये चीज पसंद नहीं है और ये ऐसे, बस कड़वा तो नहीं, मैं इनसे क्या कड़वा बोलूंगा, नहीं 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 बोलता दानिश, नहीं बोलता, ये बोलती है कभी, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कड़वा नहीं बोलता, ये नहीं कड़वा, ये दानिश कभी तो जिंदगी में तक तेज तेज बोलना शुरू हो जाते हैं, कड़वा नहीं बोलते, इनकी खतरनाक ना, मैं तो डड़ डड़ जल्दी बोलती हूँ, दानिश की खामोशी खतरनाक है, बात करने का डर नहीं लगता मुझे, बोलो बोलता नहीं है, और अगर बोलता नहीं तो और गुस्सा चढ़ता है कि बोल क्यों ना, बोलो नहीं, फिर होता है कि यार मतलब क्या करूं अब मैं, कैसे मनाऊं, बोल ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं आ रहा, वो तो ना लड़ाई का बेस तो बने ना, थेरेपी है ना लड़ाई, ये मैं ना बोलूं वो तो हां ही नहीं बोल रहा, तो मैं क्या बोलूं, मैं बताऊं आपको असल ये वाली जो मेरी एक खसूसियत है, ये पता नहीं फ्लॉ है, ये मेरी बेटी के अंदर है कि ना अगर कोई बात ऐसी हो जाए ना तो मैं दिल पे लेके बैठ जाता हूँ, और हुरैन बिल्कुल ऐसी है, हुरैन को कोई बात पुरानी भी याद होगी कि अगर मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी थी तो वो आज भी उस बात पर रो जाएगी थोड़ा सा कि आपने वो देखा तो वो नहीं किया, सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी है, डांट के दानिश कहता नहीं बोलो इसका क्यों क्या हो रहा है, अब नहीं दबाया मैंने, खुद ही हो रहा है, किसी और के पास है मुझे लगता है ट्रिगर, वो उसका मतलब है, इसका मतलब है अगला क्वेश्चन, वो इसलिए दबा रहा है कि बोलना बंद करो, नहीं मैंने दबाया, ज्यादा सच मत बता देना यार, तू यूं ऐसे पकड़ा हुआ है, हां लेकिन कुछ हो रहा है, अच्छा ठीक है आगे चलते हैं, आयजा से सवाल है, लेकिन आयजा एज दानिश जवाब दे रही है, ठीक है, फोन में किसी फीमेल फैन का नाम प्लम्बर के तौर पे, ड्राइवर के तौर पे, या किसी और नाम से किसी दोस्त के तौर पे कभी सेव हुआ था या है, कभी पहले था, हाँ था, दानिश था पहले होगा, अच्छा नाम क्या था बताओ,
सिमरन टेलीनॉर किसका था? किसका था? किसका था? सिमरन कौन? किसका था? इन्हीं का। ओह सिमरन क्यों? सिमरन क्यों? पता नहीं राज बने हुए थे सिमरन के। सिमरन अपनी जिंदगी टाइप। अरे सुन तो ले मैं उसकी वजह बताता हूं। फिल्मी फिल्मी दोनों की जो स्टोरी है थोड़ी फिल्मी। उस जमाने में क्योंकि हमारा ब्रेकअप हुआ हुआ था और अब ब्रेकअप का मतलब ये था कि ऑफिशियली अब लोगों को पता था कि ये नहीं होना चाहिए। मंगनी टूटी हुई थी। मैं इंडिया से होकर आया था। मैं इंडिया से होकर आया हुआ था तो यहाँ वापस आके अब मैं किस नाम से नाम रखूं? नंबर तो था मेरे पास इनका, वो चेंज करके मैंने कहा क्या करूं, ये कोई सिमरन है जिनका पूरे इंडिया से आता है मेरे पास और टेलीनॉर के नंबर का आता है। ओके ये किसी ने पकड़ा नहीं यार सिमरन टेलीनॉर लगा कि अब्बू को पता था कि कॉल आई तुम्हारी से। अच्छा एक क्वेश्चन, जो जब कभी जाहिर है इंसान है तो एक दूसरे से, जैसे आपने बोला कि ब्रेकअप हुआ था या थोड़ी देर के लिए यू गाइस गॉट टुगेदर अगेन, बट उस वो जो वापसी हुई है दोनों की, वो दोनों में से किसका हाथ था वापसी में? अब्दुल्ला कादवानी। हाँ, actually अब्दुल्ला भाई। यार अब्दुल्ला भाई अब तो अजीब आदमी है यार। अब्दुल्ला भाई हमेशा कहते हैं देखा वो प्रोजेक्ट ना होता तो तुम ना होते। He's right. I agree. So उसके बाद किसका हाथ था फिर? अब्दुल्ला भाई के अलावा यानी कि पहल वो somehow इनिशिएटिव वहाँ से लिया गया था। वापस वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। नहीं नहीं दानिश का तो बहुत एक ऐसा रैंडम सा था, सीरियल खत्म हो गया, सब हो गया, कोई बात नहीं, कोई एकदम से कॉल आई एक दिन के शादी करनी है। मैंने कहा नहीं तुम्हें करनी है नहीं करनी है? मैंने कहा घर वाले ही नहीं मानेंगे हमारे, तो वो वाले है ना फिल्मी हुआ है, नहीं ये भी नहीं। तो कह रहे शादी तुम्हें करनी है नहीं, फिर मुझे पता लगा कि वहाँ तो सब कुछ डन हो गया, डन हो गया घर में बात कर ली, फुल फिल्मी कहानी चल रही है। नहीं मैंने शुरू में भी सबसे पहली बात आयशा से शादी की ही थी। मैं कभी बाहर मिलने नहीं गया था आयशा से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था। यार रोज सेट पे मिल रहे हो तो बाहर मिलने नहीं गया? सेट पे तो शुरुआत में बनी है ये आयशा, हम लोग कभी काम नहीं किया था तो उस वक्त आयशा एक्ट्रेस भी नहीं बनी थी। तो मैं आयशा से कभी पर्सनली मिलने नहीं गया था अनलेस कि मैंने उसकी वालदा से बात करके बोल दिया था कि मैंने इनसे शादी की। मैंने पहली दफा दानिश से कॉल पे बात की थी ना, अस्सलाम वालेकुम मैं दानिश से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जी वो अजमल भाई से नंबर लेके आई तो पहली बात बोलती शादी करनी है मम्मा से बात कराएं। ये बात अम्मी को बोलूं अम्मी कहेंगी ऐसे कैसे, मतलब एक लड़के को शादी करनी है तुमसे, क्या बात है, तुम्हारा कुछ कसूर हो। अलग स्टाइल है भाई का, स्टाइल अलग है यार, अलग करना है तो शादी करनी यार, ऐसे नहीं घूमना खत्म होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा अगला सवाल दानिश से है लेकिन आयशा बन के जवाब देंगे, ये पूछते हैं कि दानिश ज्यादा समझदार है या आयशा? समझदार ज्यादा ये देना जवाब दे भाई। देखिए देखो अब मैं हो गई हूँ मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं बहुत समझदार हूँ। बहुत मजे का दानिश दोबारा पकड़ उसको यार, अभी तो करने लगा दिया मुझे यार। ऐसा हाउ डेयर यू मैन, मतलब बोल बोल तो यार समझदारी में शक किया। तो अच्छा अब कैसे तुम ज्यादा समझदार हो बताओ? सब चीजें मैं करती हूँ, मुझे समझ है सब चीजों की, क्या करना है, कौन सा काम करना है, कहाँ जाना है। भाई वो कह रही है वेकेशन करनी है, बस है समझदारी। आप किस सेंस में बोल रहे हैं? ऐसे कोई भी समझदारी मेरे लिहाज से ये है कि आप अगर कुछ पैसे कमा रहे हैं अच्छे तो उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए। मेरा यार ये खुद ब खुद भी करंट हो रहा है इसके अंदर। अब देखा मेरे दिल की आवाज नहीं, दिल से करंट लग रहा है मेरे। अब मैं ये नहीं पकड़ूंगा, तीन तीन बार करंट लगा रही है मुझे एक सवाल में। ओके आयशा आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन एंड योर दानिश राइट नाउ, ये मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, नींद या बीवी से बातें करना? मैं जवाब देना? हाँ दानिश। नींद दानिश सच बोल रही है? तीन दफा नींद, जैसे कबूल है तीन दफा बोलते हैं ना, उतनी दफा नींद। सही बोला मैंने? नहीं मैं बताता हूँ क्यों, इसकी वजह क्या है, लगा रही है नहीं यार, आधा जवाब आधा गलत। पहला सेगमेंट दोबारा चला, सबने बीवी की तारीफें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और नींद यदि बात नहीं पूछी बैठा के मैं सोने जा रहा भाई। अच्छा एक मिनट यार, रात में रात में खाने के बाद एक घंटे तक कौन बेसब म्यूजिक सुनता है और बैठ के बातें कर रहा होता है? बातें करते हैं, मतलब कमरे में जैसे अकेला मिलता है मुझे इतनी बातें आ रही होती है, इतनी बातें याद आ रही है, और एक घंटा भी काफी नहीं। एक आदमी आधा घंटे तक सुन लेगा हाँ आज ये यूं, फिर उसके बाद चलो। पता नहीं मेरे पास बहुत बातें हैं, मैं सच बता रही हूँ। मैं बताऊँ आपको, मैं 6 घंटे से ज्यादा सोता भी नहीं हूँ पूरे दिन, मेरी नींद ज्यादा देर की नहीं है। मैं अगर 12-1 बजे सो रहा हूँ, 7-8 बजे आँख खुल जाए। अच्छा जी अगला सवाल ये है कि ये बताएं कि बच्चे, दानिश योर आयशा राइट नाउ, बच्चे किसकी बात ज्यादा मानते हैं, यानी किसकी किसका रोब ज्यादा है बच्चों पे, या किसको बच्चे ज्यादा लुक अप टू करते हैं कि ये बस पहले ही दबा दिया यार? नहीं इसमें अर्थ आ रहा है बल्कि। अच्छा मैंने नहीं दबाया, आयशा की हाँ मेरी बात मानते हैं।
यानी वो डर नहीं होता कभी कि अब्बा को बता रही हूँ या बाप को तुम्हारे बता रही हूँ? ये तो बिगाड़ते हैं, ये तो बिगाड़ते हैं बच्चों को, इनको डांट पड़ती है बच्चों के सामने, आप नहीं कुछ करेंगे। Really? हाँ, और वो कहते हैं नहीं मम्मा पापा को डोंट से एनीथिंग, मैंने कहा चुप करो। अब जैसे रयान है ना, कभी ये उसको डांटती क्योंकि वो बहुत ही शरीफ, नेक्स्ट लेवल शरारती आदमी। हाउ ओल्ड इज ही? 3 धड़म गिर जाएगा नीचे टेबल पे बैठेगा, वो यहाँ बैठेगा नहीं सोफे पे, उसकी आदत शॉन मेंडेस बहुत पसंद है, उसने आजकल अपना हेयर स्टाइल वो रखा हुआ है, कट नहीं करने देता, बनाने नहीं देता है, कहता है मैं सो ही लाइक्स हिम एंड हिज, उसके गाने भी सुनता होगा, उसी के गाने सुनता है सिर्फ वो। तो वो सही है, तो आयजा की बात घर में, मैं तो यानी शौहर भी आयजा की बात ज्यादा मानता है और बच्चे भी ज्यादा मानते हैं, तो ये तो माशाल्लाह आयजा, वो कहते ना कि क्या मतलब आइडियल फैमिली आयजा की है ना, इस पे भी दबा दो। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह का शुक्र है यार, ऐसा सीरियसली टच वुड, ये तो इसलिए है। देखो मजाक में दबा दे, मुझे पता है यार, अब वी नो यू वेरी वेल माशाल्लाह। अच्छा जी, एक और सवाल ये कि सवाल खत्म क्यों नहीं हो रहे, हमें टेंशन लगी हुई है, झटका जो है ना वो जोर से। चलो आखिरी सवाल ये, जब ग्रोसरी की शॉपिंग पे जाते हैं तो यूर आयजा राइट नाउ? नहीं जाते, आयजा है ना, आ जाता है ना, आयजा तो जाती है। हां चलो ग्रोसरी के लिए तो नहीं, तो दानिश ड्राइव करके साथ लेके जाता है? नहीं ड्राइवर लेके जाता, ड्राइवर होता है, मैं ऐसे शूट पे होता हूं कभी 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 तो लेके मैं जा ही नहीं सकती इनके साथ, जल्दी करो, मैं कहा क्यों भाई, उसके इतने फ्लेवर है ग्रीन टी के, और मैं उठा लूं बस ग्रीन टी को। यार ये जो खवातीन वैसे लगाती बहुत देर यार शॉपिंग में, यार मैं इसलिए नहीं लेके जा रही, खड़ी रहेगी सोचती रहेगी, सोच है यार, ये बात सही। अभी हम टर्की गए थे, हां आप सोच नहीं सकते कितने की ये ग्रीन टी लेकर आई है सिर्फ। अच्छा टर्की में क्योंकि मसाले और चाय क्योंकि बड़े मशहूर, आप मतलब सोचते होंगे 60,000 की, और जब बिल इनके पास गया ना उनका, जरा कन्वर्ट तो करना, इसी बात पर आ रहा हूँ। अब जरा इनसे पूछे जो ये लाई है वो अभी तक कहाँ रखे हुए, मैं हर रात पूछता हूँ बैग में, आज जो है आज वो वाली जरा ग्रीन टी बना दो, दानिश वो नीचे बैग में है, तो फिर हम पिएंगे कब, वो जब बाहर निकलेगी तो बाहर निकलेगी, उसके लिए एक अच्छा सा कोई जार लाऊंगी ना, तब उसके अंदर डालूंगी, जब जार आएंगे तो वो उसको खूबसूरती सजा के रखा जाएगा, नहीं उसके बाद हम पिएंगे, एक्सपायरी डेट भी होती है, प्लीज वो चेक कर लेना, तो मैं इसलिए तुमसे रोज कहता हूँ वो कब निकलेगी, आज ही खुलेगी, सर्दियां आ गई बस आज। हां ये सही है, कभी ऐसा भी होता है कि बंदा कभी किसी को इनवाइट करके भी जो अच्छी वैरायटी होती है एग्जैक्टली वो भी पिलाता है, तो ऐसे रिपे बारी में कह रहे बुलाए ना, तो कह रही एग्जैक्टली, देखे उधर देख लग पड़ी है, सच कह रही हूँ, अब मुझे पता लग गया कौन ज्यादा समझदार है, ठीक है जरा ले लो भाई, बस खत्म हो गया, जाना है।